संक्रमण फैल रहा है, लोगों की जान जा रही है, व्यवस्थाएं बनाने का ढिंढोरा पीटने वाले बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन नीमच का सरकारी अस्पताल सारे दावों की हकीकत बयां कर रहा है। जहां ना तो आईसीयू बेड है, ना ऑक्सीजन है, यहां तक कि लोगों को सड़कों पर लिटाकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। देखिए खबर। बेड की कमी है, इंजेक्शन है नहीं, ऑक्सीजन के लिए इंतजार कीजिए। वैसे तो ये हाल मध्य प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों का है, लेकिन नीमच से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो इससे भी ज्यादा बदतर हालात बयां कर रही हैं। नीमच में बीमार बीमारी के हाथों मरने को तैयार हैं, लेकिन जिला अस्पताल के नाम पर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। नीमच का सरकारी जिला अस्पताल सरकारी दावों की ही धज्जियां उड़ा रहा है। अस्पताल में ना आईसीयू बेड है, ना ऑक्सीजन है। हालात यहां तक खराब हैं कि लोगों को सड़कों पर लेटकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। यहां आम आदमी खून के आंसू रो रहा है। पर वहां बना ही नहीं पर्ची, 15 नंबर पे गया तो बोले डायरेक्ट बोले कोमा सेंटर में जाओ, यहां बोले वहां से पर्ची बना के। अभी मेरे साथ कोई है नहीं, छोटे छोटे बच्चे, मिसेस को बुलाया उसको कोई पता नहीं चलता। अभी वो वहां से बोल रही है, मोबाइल भी नहीं उसके पास, मेरे पास मोबाइल दूसरे को लेके आई। ऑक्सीजन लेवल डाउन है, 62 कूल है ऑक्सीजन पर। अच्छा, भर्ती को कोई करने के लिए तैयार नहीं। स्टाफ बोल रहा है 2 बजे भर्ती कर लिया, स्टाफ ये पर्ची पकड़ा रखी। उम्र क्या है? 53 साल। ऑक्सीजन की अमीर लेवल कम है, 62% कूल है। भर्ती करने के लिए कर रहे हैं, पर्ची दे रखी है, कोई 1 घंटा से लगाने के लिए लंच हो गया है, ट्रीटमेंट चालू करने के लिए तैयार नहीं है कोई। 2 बजे बाद नहीं कोई स्टाफ आएगा, उसके बाद में करेंगे। अभी अंदर है वो, एडमिट तो कर लिया, बाकी ये लोग बोल रहे हैं कि सिलेंडर की व्यवस्था आपको। इंसान मरने को तैयार है, लेकिन सरकारी अस्पताल में जाने को तैयार नहीं है। व्यवस्था ऐसी लुंजपुंज है, जिस पर अब जन प्रतिनिधियों के भी आंसू छलकने लगे हैं। विधायक माधव अनिरुद्ध मारू भी लोगों की पीड़ा देखकर भावुक हो गए, और हो भी क्यों ना, इस दौर में भी अगर किसी का दिल नहीं पसी जा तो उसे पत्थर ही समझिए। सारे संसार में मानव जाति पर घोर संकट है, लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हालात से जूझते आम आदमी का गला खुद व्यवस्था घोंट रही है। ऑक्सीजन की कमी से आदमी बाद में मर रहा है, लेकिन नाकारा सिस्टम उसे पहले ही मौत के अंधे कुएं में धकेल दे रहा है। कमलेश सारडा, बंसल न्यूज, नीमच।